अलग टाइप की न्यूक्लियाई में समझा रहा हूँ आपको, हम उस बात पे आ जाऊंगा। CH3 केमिकल रिएक्शन से तो नहीं टूट रहा, ये न्यूक्लियर रिएक्शन से टूट रहा है, ये भी सही है। फिर मैंने बोला कई बार मर्ज भी होते, कई बार टूटते भी, तो किस टाइप का न्यूक्लियस है जो मर्ज होना प्रेफर करता है, किस टाइप का जो टूटना प्रेफर करता है, राइट? बच्चों वीडियो में पानी पी रहा हूँ, लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, इसने कहा कि ये मत सोचना मास्टर ने काटा क्या। अगर निकले देखो बेटा, एक होता आइसोटोप। आइसोटोप क्या होगा बच्चों? आइसोटोप वो होता है बेटा जिसका, आइसोटोप में क्या होगा बेटा, जिसका सेम एटॉमिक नंबर होगा, जहां पे बच्चों एटॉमिक नंबर सेम हो। जो तीन चार चीजें आएंगी आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, उनका भी एक पेज भी अलग से बना के सामने जहां पढ़ते हो चिपका लेना, भूल जाओगे, ये केमिस्ट्री में आपको याद होगा तो ठीक है। क्या बोला बेटा, एटॉमिक नंबर आपका सेम है, मास नंबर अलग है, इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, सेम मास नंबर सेम है, ऊपर वाला सेम है, आइसोबार में क्या बेटा ऊपर वाला, याद करना तरीका बता रहा हूँ, टेंशन ना ले, नीचे वाला अलग है। सो आइसोबार और आइसोटोप में कंफ्यूज नहीं होना है, आइसोबार और आइसोटोप में कंफ्यूज नहीं, जहां टोप लिखा ना टोप, वहां जो टोप लिखेगा तो वहां नीचे वाला सेम आएगा, नीचे वाला सेम आएगा, नीचे वाले माने ये वाला जेड, ये सेम आएगा, जेड सेम आएगा, राइट? टोप का उल्टा, दोबारा देखो, आइसोटोप आइसोबार इसमें क्या सेम है सर? सर टोप में नीचे वाला होता है, नीचे वाला माने एटॉमिक नंबर सेम होता है, सही है क्या? सो आइसोबार में अपना क्या सेम हो जाएगा, मास नंबर, राइट? एक होता है आइसोटोन्स और वो होता है आइसोमर, आइसोटोप और आइसोमर, इनमें देखो बेटा इसमें तो मैंने मास नंबर और एटॉमिक नंबर ने बताया, तो मैंने अच्छे से याद किया। आइसोटोप और आइसोबार में सर टोप माने नीचे सेम, नीचे सेम माने, नीचे सेम माने बच्चों सर आपका एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोटोन्स क्या होते हैं, जहां सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन कैसे चेक करते रहे, ए माइनस जेड से, ए माइनस जेड इज रिप्रेजेंटेशन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है बेटा। आइसोटोन क्या आ जाएगा, तो न्यूट्रॉन सेम हो, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, जहां पे आपका सेम मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर, स्टार लगाओ इस पेपर यार, ये बिल्कुल अलग चीज है। आइसोमर, आइसोटोप, आइसोबार ठीक है सर, आइसोटोन्स, आइसोटोन भी ठीक है सर, ए माइनस जेड आपका सेम आंसर, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आगे चलते हैं, आइसोमर क्या है, आइसोमर क्या बोला बेटा, आइसोमर आप पढ़ते हो आइसोमेरिज्म में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, आइसोमर्स एक जैसे एटॉमिक मास वाले है ना बेटा, एक जैसे मास नंबर भी, एक जैसे आपका एटॉमिक नंबर भी है, दोनों चीज सेम होने के बावजूद भी अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती है जिसकी, है ना। वो आइसोमेरिज्म में अपने डिटेल में पढ़ते हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ BR का, सो 3580, इसके दो अलग अलग आइसोमर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हजारों दिखा हुआ, दो दो तीन तीन चार चार आइसोमर आ जाते हैं, राइट? कुछ छोटी छोटी बातें देखो, एटॉमिक न्यूक्लियाई हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, क्या बोला बेटा, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर तो सब नीचे सेम होता है, नीचे वाला आइसोटोप उसका उल्टा था, आइसोटोप का डिनोमिनेटर आइसो, राइट बच्चों? एटॉमिक न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मास नंबर सेम, ऊपर वाला सेम है, सो आइसोटोप से नीचे आ गया, तो दूसरे वाला क्या था सर, आइसो बार, दैट विल बी आइसो बार, राइट? ये क्या है सर सामने लिखा हुआ, ऊपर क्या सेम दिया बेटा, ऊपर वाला मतलब मास नंबर सेम है, दैट इज आइसोबार, राइट? देखते हैं ये रेडियो एक्टिव, देखो बेटा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस विद द मास नंबर ए, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिव वर्ड आ गया है, बस थोड़ी देर बाद पता लगने लग जाएगा कौन सा ब्रेक है, कौन सा मर्ज है, देखो बीच में आया है। रेडियो एक्टिव कोई ऐसा चीज है बेटा जो ब्रेक हो सकता है या मर्ज हो सकता है, जो भी है ब्रेक हो जाए, हम देखते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस विद द मास नंबर ए स्प्लिट्स इनटू टू न्यूक्लियाई हुज मास नंबर आर इन रेशियो 3:2, इस रेशियो में मास नंबर आता है। तो फाइंड आउट रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, इतना सा काम है सर, वही बात बेटा सर, रेशियो ऑफ न्यूक्लियाई ये लेना है, सो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू ए बार 1/3, सिंपल, वेरी सिंपल, खुद ही बता रेशियो क्या बेटा मास नंबर की, 2/3, लो फिर A1/A2 पावर 1/3, और क्या दिया बेटा 3/2, 3/2 पावर 1/3, ऑप्शन नंबर 2 ही, बिल्कुल आसान। अब तुम सोच के डर जाते सर रेडियस तो हमने बोला ही नहीं, तो कहां से पूछना है, तो अलग बात है, अदरवाइज इट इज आल्सो वेरी सिंपल बेस्ड ऑन डायरेक्ट कैलकुलेशन, राइट? देखते आप लोग कितने बना पाओगे, आप लोग साथ में इसको पॉज करके ट्राई करो, 1 2 3 पॉज किया होगा आपने, तो आगे बताओ, ओके 3 2 गुड, लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। इन न्यूक्लियस एक्स
कोई न्यूक्लियस दिया 235, जानते हो सारे यूरेनियम की बात कर रहा, स्प्लिट इनटू टू न्यूक्लियस हैविंग द मास नंबर इन द रेशियो दिस रेडियस, क्या दिक्कत है, नहीं मास नंबर की रेशियो दिया है, सो रेडियस में रेशियो में दिक्कत ही क्या है, क्लोजर a1 by a2 power 1 by 3, सो सिंपल 2 by 1 और पावर 1 by 3, सो 2 power 1 by 3 is 2, 2 power 1 by 3 is 2, राइट बच्चों, सो यू विल गेट ऑप्शन नंबर 3। एक दूसरे सवाल है बेटे सारे, ओके आर नॉट क्या होता है, ये आसान है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताओ, साइज आपको बताना है, ये आर नॉट दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, आर क्या होता था, आर नॉट ए पावर 1 बाय 3 लो सर, दे दिया था, अच्छा वरना 1.1 यूज करता हूं, ए की वैल्यू क्या दिस और पावर 1 बाय 3 6 आ गई फॉर मी द 10 पावर माइनस 15 मीटर, बिल्कुल आसान ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, सही है क्या, तो इसको छोड़ते हैं, आसान सा देख लेना, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन अब अगला डिस्कशन करते हैं बेटा, न्यूट्रॉन आपको कैसे पता चला ये न्यूट्रॉन है और इसको कैसे डिस्कवर किया गया, इसका डिस्कशन हम करते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, नाम का कोई महत्व नहीं है फिर ऐसे बता रहा हूं मैंने, बेरिलियम न्यूक्लियाई वाज बॉम्बार्डेड, बेरिलियम न्यूक्लियाई वाज बॉम्बार्डेड बाय अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा सर, हीलियम को अल्फा पार्टिकल बोला है, देन द न्यूट्रल रेडिएशन वाज एमिटेड, न्यूट्रल न्यूट्रल रेडिएशन का मतलब बोला जाए तो इसका कोई चार्ज नहीं था बट एनर्जी रिलीज किया, चार्ज नहीं था बट एनर्जी रिलीज ने किया, अपने बार बार धमाधम 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 जब अल्फा पार्टिकल डाला सो न्यूट्रल रेडिएशन वहां से न्यूट्रल आई, इसका मतलब सर जब न्यूट्रल था तो वहां चार्ज नहीं होना चाहिए, सो बेरिलियम को जब अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किया सो 613 ये ठीक करेगी साथ में बेटा आपके पास गामा भी रिलीज हुआ, सो गामा इज रिप्रेजेंटेड लाइक रेडिएशन, ठीक, और गामा कोई चार्ज नहीं होता इसलिए मैंने बोला न्यूट्रल रेडिएशन, राइट, चैडविक predicted there that neutral radiation consists of a type of particle, जो radiation बाहर आई ना उसमें एक particle है जो कि neutral है, that is known as neutrons, right बच्चों, और अच्छे से देखा जाए तो इसको क्या किया, पहले beryllium में alpha particle थी ऐसे बन गई लेकिन this was unstable, फिर अभी chemistry वाली कहानी unstable तो break करेंगे क्योंकि carbon कब stable होता बेटा, ये क्या बच्चों, ये दो चीज isotopic है, इससे बाहर से नीचे वाला same isotope है, तो कार्बन C13 अनस्टेबल, C2 आपका 12 में चला गया वो साथ में क्या आ गया कि न्यूट्रॉन आ गया स्टेबिलिटी देने के लिए, वही तो बोला बेटा डिस्कवरी हो गई न्यूट्रॉन की, राइट, टारगेट है क्या, ओके सर, यहां से पहली बार पता चला कि न्यूट्रॉन है और एनर्जी रिलीज है, राइट, तो न्यूट्रॉन रेडिएशन सपोज टू हैव मोर देन अवेलेबल फ्रॉम बॉम्बार्ड, क्या बोला बेटा, जो न्यूट्रॉन देखो एक तो अल्फा पार्टिकल भी दोबारा सुनो गौर फरमाओ जागो देखो, ये स्टेबल है बच्चों, कब स्टेबल है सर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन यदि ये न्यूक्लियस से बाहर आ गया तो भाग के कोई कोई मिलने लेगा, कुछ चाहे तो कोई ले लेगा तो पीट के भगा लेगा, यदि इसको कोई मर्ज कर लेगा या इससे चार्ज ले लेगा जगह दे लेगा, इसको प्लस या माइनस होना पड़ेगा, न्यूट्रॉन नहीं छोड़ेगा इसको, दुनिया में बहुत दरिंदे लोग हैं, दुनिया में बहुत दरिंदे लोग हैं, दरिंदे लोग क्या करेंगे, चाहे तो तुझे इतना पीटूंगा कि तू नेगेटिव हो जाएगा, चाहे तुझे इतनी 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 तुम्हें प्यार दूंगा कि तू पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन भाई तू जैसा है ना ऐसा तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला चाहे कुछ भी हो जाए, सो न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन के साथ क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ, इन तो घर से बाहर निकलेगा तो या तो तुझे लोग पॉजिटिव करेंगे या लोग नेगेटिव करेंगे, घर के अंदर तो सुखी है न्यूट्रल रहे जैसे तेरी इच्छा तैसे सोचता है, राइट बच्चों, सो दैट इज अनस्टेबल आउटसाइड द न्यूक्लियस, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज अबाउट 1000 सेकंड, 1000 सेकंड के अबाउट इसकी हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ मतलब सर ये हाफ होता चला जाएगा, हाफ अमाउंट दिख रही है ना, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन रेडिएटिविटी, इट डिकेड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस, कैसे हो गया सर, या तो आप न्यूट्रॉन में क्या करोगे, न्यूट्रॉन का बन जाएगा हाइड्रोजन,
और एक इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हो जाएगा, सो न्यूट्रॉन खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन बन गया एक्चुअली। इट्स मास इज नियरली इक्वल टू प्रोटॉन, जानते हैं। द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस कैन बी नाउ डिस्क्राइब यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स एंड सिंबल्स। जेड एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैं बता चुका हूं, एन न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ए इज द मास नंबर, और जेड प्लस एन क्या होता है बच्चा आपका, जेड प्लस एन आपका ए होता है, एन आप निकालोगे दैट विल बी ए माइनस जेड, बहुत पहले से पढ़ सकता है। बात देख न्यूट्रॉन आर पार्टिकल, सो दे कैन नॉट डिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैसा होना चाहिए बेटा ये, कैसे न्यूट्रली चार्ज, कैसे बच्चे ये न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल, राइट, न्यूट्रॉन से है। अच्छा ये सुनो बेटा, न्यूट्रॉन क्या रखते हैं बेटा, न्यूट्रॉन से है हाई पेनिट्रेटिंग पावर एंड लो आयनाइजेशन पावर, आयनाइजिंग ये आयन नहीं बनाता लेकिन पेनिट्रेट दूर तक करता है, सही है बच्चों। तो न्यूट्रॉन क्या करता है, पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा और एनर्जी, ये अपना केमिस्ट्री में लेकर पढ़ा हुआ। तो नेक्स्ट कांसेप्ट जो अपना आया बच्चों, दैट इज मास एनर्जी। अब आप क्या करेंगे, मास एनर्जी इक्वेशन एक एस्टेब्लिश करेंगे, मास और एनर्जी का रिलेशन बनाएंगे कि मास भी थोड़ा बहुत चेंज होता है, दैट इज नोन एज मास इफेक्ट, वर्ड आएगा कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, कुछ मास का लॉस हुआ तो एनर्जी बढ़ गई होगी, इस टाइप की कुछ बातें आएंगी बच्चों मास एनर्जी में, राइट। तो अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, बच्चे सुना बच्चों, इसको मैं दो तरीके से समझाऊंगा, इसको मास एनर्जी को दो तरीके डिवाइड करेंगे, एक बार ओनली एटम के लिए, एक बार बच्चों एटम के लिए, एक बार मैं रिएक्शन के लिए। जब रिएक्शन की मैं बात करूंगा तो बेटा बात होगी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। So, जब भी मैं मास का कंपैरिजन करवाना बेटा रिएक्शन में, तो मैं देख लूंगा प्रोडक्ट का कितना मास है और रिएक्टेंट का क्या था, कुछ मास का लॉस हुआ क्या, कुछ मास का डिफेक्ट हुआ क्या, जो मास में डिफरेंस हुआ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसको मास डिफेक्ट बोला जाता है, उस मास डिफेक्ट के कारण कुछ एनर्जी होती है उसको मास एनर्जी बोला जाएगा, बाद में उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। जब एक एटम की, विदिन एक एटम की बात करें, जैसे एक एटम की मैं बात करता हूँ, अल्फा पार्टिकल लिया हुआ है हीलियम 2-4। सो हीलियम का देखो बेटा क्या, हीलियम में सर दो दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, तो दो प्रोटॉन प्लस दो न्यूट्रॉन आप करोगे ना, सो जितना ये मास होगा ना बेटा, एक्चुअली हीलियम के न्यूक्लियस का मास उससे थोड़ा सा ज्यादा है, एक्चुअल मास थोड़ा सा ज्यादा है, सर ऐसा क्यों, सो कारण तो वो भी ठीक है इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो इतना बड़ा कारण नहीं है, उसका कारण मास डिफेक्ट ज्यादा है। क्या डिफेक्ट हुआ, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, मैं एटम का समझाने लगा हूं, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द मास ऑफ एक्चुअल अल्फा पार्टिकल इज 4.0015 जो आपने याद करनी है वो आपका 931 वाली है, थोड़ी देर मारे तो। और अल्फा पार्टिकल मास कितना आ गया बेटा 0.0305 mu, सो बाइंडिंग एनर्जी विल गेट -28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 पावर 6 है, लेकिन ये 1.6, और ये भी तो आपके 10 पावर माइनस 19 है, तो 10 पावर माइनस 30 जूल में तो बहुत कम, छोटे साय की तो बात कर रहे हैं बेटा, इसलिए वहां ज्यादा लगने लग जाएंगे। अल्फा पार्टिकल हैज लोअर एनर्जी देन द कलेक्शन ऑफ, अल्फा पार्टिकल हैज लोअर एनर्जी देन द कलेक्शन ऑफ सेपरेटेड प्रोटॉन, अलग अलग एनर्जी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास उससे कम रहती है, वो जो डिफरेंस है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, राइट। इन द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस आर चार्ज्ड पार्टिकल, प्रोटॉन क्या बच्चों, सर प्रोटॉन जो चार्ज्ड पार्टिकल है, दे हैव ए पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद देम, जो चार्ज पार्टिकल है तो नो डाउट पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है सर, दिस इज वेरी लार्ज, ये बहुत ज्यादा होती है पोटेंशियल एनर्जी एज कंपेयर टू एटॉमिक स्केल एनर्जी अराउंड 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब मैं कहा बात कर रहा हूँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, सो जो वो आपके आएगा वो बहुत ज्यादा एनर्जी, राइट बेटा, मच लार्जर एनर्जी इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन
मोलिकुलर केमिकल रेट सबसे अलग है, सबसे ज्यादा है. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटोन इन द न्यूक्लियस इज ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मेगा सर, मेगा थोड़ा इस, अरे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी 10^-13, लेकिन एक्चुअली क्या था 10^-19, उससे तो बेटा मिलियन आगे हो गया ना, उससे मिलियन टाइम्स हो गया ना, सेम हो जाता. सो द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्ट्रॉन्ग फोर्स इज नेगेटिव एंड द ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन. तो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होती है बेटा, वो आपकी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बाइंड किया उसका नाम बाद में न्यूक्लियर फोर्स आ जाएगा, उसी कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव. सर नेगेटिव एनर्जी जब भी होगी ना, आपको चलो एक बात और लेकर आ रहा हूँ, आपको मैंने फ्लूइड में समझा, आपको मैंने हीट में समझा, आपको इलेक्ट्रोस्टेट में समझाया. नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मींस स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा नेगेटिव उतनी ज्यादा स्टेबल, राइट, जितनी पोटेंशियल कम उतनी ज्यादा स्टेबल, सही है. सो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब आपका न्यूक्लियस जो है स्टेबल है. रेस्ट एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैन बी फाउंड बाय, यदि आप बोलना चाहते हैं बेटा सर ये प्रोटॉन और उसकी सिस्टम की तो आप जान गए एनर्जी कितनी आएगी न्यूक्लियस की, तो ये अल्फा पार्टी टोटल एनर्जी आप जान गए, तो प्रोटॉन की कैसे जोड़ो सर, न्यूट्रॉन की कैसे जोड़ो, सो एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. किसने दिया था गुरु ने, कौन से गुरु ने दिया था, आइंस्टीन गुरु जी ने, राइट, थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी जो किसी ने नहीं पढ़ी ना पढ़ाई, राइट, तो यहाँ से एम सी स्क्वायर हम जानते हैं. सो आप देखो बेटा मास ऑफ प्रोटॉन सी की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट आंसर लाइक दैट. और सिमिलरली इफ यू वांट टू कैलकुलेट अर्थ, आप क्या बोले बेटा, मास कैन बी एक्सप्रेस, तो मास क्या लिखा जा सकता है इसको, एम सी स्क्वायर, तो मास कहीं रखो सी स्क्वायर चला जाएगा डिवाइड में. सो 938 डिवाइड बाय 6, ये याद करना है ना, ये वाला याद नहीं करना, थोड़ी देर वाला याद करना. इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन हियर प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस. ये आपको क्या करना बेटा, अब हम इक्विवेलेंट करेंगे सर, मास बोल लो एनर्जी बोल लो, ये इंटरकन्वर्टेबल चीज है. न्यूक्लियर लेवल पे जो आपका मास बोलो बच्चों या बेटे आप एनर्जी बोलो, मास बोलो बच्चों एनर्जी बोलो, दिस इज इंटरकन्वर्टेबल थिंग, राइट, एक दूसरे में बदल नहीं जा सकते, एक दूसरे में जा सकते, ठीक है. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस प्रपोज्ड बाय आइंस्टीन द एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ मास, मास के कारण एनर्जी क्या है, दैट इज E is equal to mc square, right? तो मास इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सर, मास नहीं छोड़ दो, E by c square. ये कि कहाँ यूज किया जाता है, ये आइंस्टीन वाली इक्वेशन कहाँ यूज किया जाती है, टू एस्टीमेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस के निकालने में, टू एस्टीमेट एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन. बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन की एनर्जी का कैलकुलेट करना कोई छोटे काम नहीं था, बहुत बड़ा बवंडर था. न्यूक्लियर समझते हो, हिरोशिमा ना आपका हिरोशिमा नागासाकी बम डाले सब बर्बाद हो गया, न्यूक्लियर रिएक्शन का कारण था एटॉमिक बम. ये हाइड्रोजन बम डाल देना बिल्कुल ही बर्बाद हो जाता, उनमें भी एक हाइड्रोजन बम था तो बहुत तबाही मचाएगी. सो कितनी ज्यादा इनफाइनाइट एनर्जी है, उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए वी कैन यूज मास एनर्जी इक्विवेलेंस, राइट बच्चों, विद गिवन बाय आइंस्टीन. गुड, इसको बात देखो, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस इज यूज्ड टू एस्टीमेट क्या बच्चों, सारा दोनों की दोनों चीजें याद के यूज किया जाता, राइट. 1 एम यू क्या था, 1.66 × 10^-27 मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी. मैं बता पाऊंगा बेटा उस मास डिफेक्ट के कारण कितनी एनर्जी का प्रभाव आ रहा है. न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई द मास ऑफ न्यूक्लियस कंटेनिंग जेड एंड आपका क्या बेटा एटम प्रोटॉन्स एंड एन न्यूट्रॉन्स. तो स्टेबल न्यूक्लियस, स्टेबल कौन सा होगा बच्चों, द मास ऑफ न्यूक्लियस कंटेनिंग एन न्यूट्रॉन्स एंड जेड प्रोटॉन्स इज लेस देन टोटल मास ऑफ आइसोलेटेड. जब बच्चों न्यूक्लियस का मास की दो चीज आ गई, मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, आपको बोला बेटा मैं एटम और रिएक्शन अलग तरीके से पढ़ाऊंगा. एटम, एटम में दो चीज, एक बार टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस बोल दो एटम के लिए, न्यूक्लियस का मास बोल रहा हूं मैं, टोटल मास ऑफ एटम नहीं बोल रहा मैं, दोबारा बोल रहा हूं, मास ऑफ एटम में सारा डिस्कशन न्यूक्लियस के अंदर का कर रहा हूँ. न्यूक्लियस में सिर्फ दो चीजें थी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. यदि पूरे न्यूक्लियस का मास मान लो ऐसे ही मानो 10 kg है और अलग से जोड़ा आपने, जब आपने अलग से जोड़ा, आपने जोड़ा भाई प्रोटॉन अलग से जोड़ लो न्यूट्रॉन अलग से जोड़ लो, उनका मास देखा हमने आ गया 11 kg. जब न्यूक्लियस का मास टोटल कुल न्यूक्लियस का मास इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ने के बाद कम यदि रहता है, this type of nucleus is known as stable nuclei, right? वही लिखा बेटा, जब क्या है, जब आपके nucleus का mass अगर less है तो that is stable, right? Mass of nucleus is always less than the sum of
ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स इन द फ्री स्टेट, द डिफरेंट इन दिस मास इज नोन एज मास डिफेक्ट। क्या बोला जाएगा डिफरेंस को? मास डिफेक्ट। द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। जितनी मास डिफेक्ट के कारण जो एनर्जी एसोसिएट हो गई ना बेटा डेल्टा एम सी स्क्वायर, दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी, राइट? सो बाइंडिंग एनर्जी कैन बी फाइंड बाय फाइंडिंग द मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस आप निकाल लो, मास ऑफ न्यूक्लियस में घटा दो क्या, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट न्यूक्लियस, इतना डिफरेंस आएगा बच्चों, दैट इज मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट से आप सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट क्या आया बच्चों आपका बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी बहुत फॉर्म में दिया हुआ है, बट बाइंडिंग एनर्जी वी विल लर्न इन फॉर्म ऑफ दिस 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं बेटा, जूल में आर्ग में मैं जानता हूँ डेल्टा एम सी स्क्वायर दिया, के जी में ले तो ये भी ऐसा यूनिट में आएगा, 3×10^8 स्क्वायर, तो देखो बेटा अपने आप यही आएगा। अरे सही है क्या, आर्ग में अगर ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा तो ठीक है, आसान चीज है, बट जो ए बी वाला भूल जाएंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट बच्चों? इफ जेड एंड ए रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन एज, क्या दिया जा सकता है, इंडिविजुअल सारा मास पकड़ लो सर, नंबर ऑफ आपके क्या थे प्रोटॉन जेड और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये, आपने क्या किया इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास लिया, उसमें से मास ऑफ न्यूक्लियस को माइनस किया, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, विल गेट द आंसर, सही है क्या? और ये आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, आपको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सी स्क्वायर इज 931.5। बच्चों इस चीज को फ्रंट पेज पे जाओगे, ये कहां जाएगा अपना फ्रंट पेज पे जाएगा, राइट? इसको अपने को ध्यान देना है, ये किसके लिए बेटा, एटम के लिए, इसी चीज को बाद में मास डिबेट को सेम चीज में रखूंगा, बस यहाँ ये वाला मास और ये वाला कैसे हो जाएगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हो जाएगा, जब आप रिएक्शन की बात करोगे, मैं एटम की बात कर रहा हूँ, ये बताऊंगा पहले, ठीक है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आएगा तो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाई ए करना, ए इज मास नंबर। क्वेश्चन में आप देख लेना बेटा, यदि उसने बाइंडिंग एनर्जी पूछा है या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछा है, पर न्यूक्लियॉन पूछा तो डिवाइड बाई ए कर देना, सही है क्या? अब पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है सर, टोटल मास माइनस ए, दैट इज मास डिफेक्ट डिवाइड बाय ए, सो मास डिफेक्ट डिवाइड बाय मास नंबर बाय पैकिंग फ्रैक्शन। तो टेक्निकल वर्ड आपको ध्यान देना, राइट? इफ द पैकिंग फ्रैक्शन इज नेगेटिव, पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव होने का मतलब क्या बेटा, पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव होने का मतलब है सर मास डिफेक्ट आपका नेगेटिव है। मास डिफेक्ट क्या होता था सर, इंडिविजुअल प्रोटॉन न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, कब नेगेटिव आएगा सर, जब मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है आपका ज्यादा, वही तुमने बोला था, सही क्या? तो न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल, इफ पैकिंग फ्रैक्शन इज पॉजिटिव न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। अपने को स्टेबिलिटी के बारे में पूछता नहीं, फिर भी आप देखना चाहो तो मास फ्रैक्शन आप देख लो ना, डेल्टा एम आप निकाल लेना, एम माइनस ए से यू विल गेट द आंसर, ठीक? पैकिंग फ्रैक्शन फॉर मतलब ये लाइन है अपने लिए इंपॉर्टेंट, नीट में स्टकी लाइन सीधी पूछी जाती है आजकल, किसकी पैकिंग फ्रैक्शन जीरो, किसमें मास डिफेक्ट नहीं है, दैट इज कार्बन, कार्बन स्टैंडर्ड है बेटा। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व एक बनी हुई है, उसको देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी कहां से कहां तक वैल्यूज रहती है, किस टाइप के न्यूक्लियस आपके अनस्टेबल है, किस टाइप के आपके मोर स्टेबल है। सो एक बात तो देखो बेटा, बाइंडिंग एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर आयरन, याद करते हैं, शुरुआत में देखना जब मास नंबर बहुत कम है सो वहां पे बाइंडिंग एनर्जी बहुत, लेकिन रैपिडली एकदम यहाँ तक चली गई बेटी, जाने के बाद ना आपका जब ये लगभग 14-15 हो गया, 15-16 के बाद तो ऑलमोस्ट ये सेम रही, कार्बन 120 फिर थोड़ी सी कम हुई, वो लिखा भी होने को कैसा डिटेल, बाइंडिंग एनर्जी जो ना हाई इन द लार्ज नंबर, ए की वैल्यू क्या बेटा 28 से 138, बीच में जब कहीं आपका मास नंबर तो उस टाइम पे बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है और स्टेबल निकली है, वो 28 और 138 का मतलब वो बच्चों वो ब्रेक नहीं होने वाला, नहीं वो मर्ज होने वाले हैं। अगली बात आई स्टार, जब आपको बोला था ना कि न्यूक्लियर रिएक्शन में ब्रेक भी हो सकते हैं और मर्ज भी हो सकते हैं, सो जो लाइट न्यूक्लियर है बेटा, लाइट न्यूक्लियर सच एज हाइड्रोजन कंबाइंड टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियर, जो जो आपके लाइट है जहां बाइंडिंग एनर्जी कम अनस्टेबल है, सो अनस्टेबल लाइट टूट के क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, सो अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए लाइट न्यूक्लियर क्या करते हैं, दूसरी मर्ज होगी कुछ अलग चीज बनाने, दैट इज द एग्जांपल ऑफ क्या बोलते हैं बेटा उसको, फ्यूजन, क्या बोलते हैं बेटा फ्यूजन। हैवी न्यूक्लियर है व्हिच इज ग्रेटर देन 220, तो बहुत ज्यादा है, 220 से ज्यादा है,
यूरेनियम आ गया, प्लूटोनियम आ गया, उसका आएगा। तो अपनी भलाई किसमें जानते हैं, वही जानते हैं, मैं स्टेबल बर्फ नहीं पाऊंगा यार। कारण अलग रहेगा, कारण भी समझाऊंगा मैं क्यों ये लाइट वाला सर्किट टूट रहा है भाई वाला। फिलहाल मैं आपको बाइंडिंग एनर्जी समझा रहा हूँ कि दोनों देखो बेटा बाइंडिंग एनर्जी कम है, लेस स्टेबल है, इसको मिलना पड़ा हाइड्रोजन बना दिया ऐसा। लेकिन हीलियम जब आपके क्या बोलते हैं बच्चों, जब हैवी न्यूक्लियाई है, बहुत भारी है, सो ये ब्रेक हो जाता ऑलमोस्ट इक्वल न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाएगा। दो में ब्रेक हो गया, तीन में होता सिर्फ दो में होता बेटा, तो दो में ब्रेक हो जाएगा लगभग बराबर बराबर मास वाला। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फीजन। क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियर फीजन। द मोस्ट स्टेबल इन न्यूक्लियाई आर दोज विद द लार्जेस्ट बाइंडिंग एनर्जी इज आयरन एंड एनआई। बच्चों अब आयरन को याद करना, आयरन का जो है ना याद भी 8.8 है। आयरन की क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है BE डिवाइड बाय A, दैट इज 8.8। सही है क्या? ओके, वेल द इंक्रीज इन मास नंबर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर होस्ट इंक्रीजेस रैपिडली। कहां बच्चा ऐसे सिक्का और बनी हुई थी, फिर ऐसी बनी थी स्टेबल है ना, रीचेस टू द मैक्सिमम वैल्यू फॉर आयरन, देन मैक्सिमम वैल्यू इज 8.8। देयर आफ्टर इंक्रीज विद द मास नंबर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस वेरी स्लोली। यदि आयरन की आपकी हाईएस्ट है बच्चों, उसके बाद डिक्रीज तो होगा लेकिन धीरे 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 धीरे, फिर लगभग कॉन्स्टेंट हो गया। और यूरेनियम का कितना हो जाएगा 7.6। वेरी लाइट न्यूक्लियाई आर लीस्ट स्टेबल। देखो बच्चों सुनना, दो बातें आ गई सर, लाइट वाले न्यूक्लियाई भी इमर्ज हो गए, बड़ा न्यूक्लियाई बना रहे हैं, और बहुत बड़ा टूट के भी दो अलग अलग, तो दोनों अनस्टेबल है। इनमें बहुत ज्यादा अनस्टेबल कौन सा है? सो क्या बोला बेटा, वेरी लाइट न्यूक्लियाई हाइड्रोजन आर लीस्ट स्टेबल, जस्ट ये बहुत कम स्टेबल है। वेरी हाई न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, वो तो अनस्टेबल तो होंगे ही नहीं, तो दोनों ही आपके क्या होंगे बेटा, न्यूक्लियाई विद द इंटरमीडिएट मास नंबर आर मोस्ट स्टेबल। तो चाहे बहुत हल्का हो चाहे बहुत भारी हो, बहुत हल्के वाला मिलकर एक बना लेगा, बहुत भारी वाला टूट के दो बना लेगा। सो डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर फॉर हैवी न्यूक्लियाई इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। फिर बता रहा हूं ये बाइंडिंग एनर्जी कम क्यों है सर, जब आप 220 से ज्यादा चले गए तो बाइंडिंग एनर्जी क्यों कम क्यों हो गई? 220 मास नंबर तो ऑलमोस्ट वहां पे एटॉमिक नंबर लेट अस अज्यूम 90 है, 93 95 ऐसा, सो 95 93 एक एटम है, फिर इसमें प्रोटॉन है, सो बहुत ज्यादा रिपल्सन है पॉजिटिव चार्ज की, सो पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होने के कारण अनस्टेबिलिटी है। सो टूट के नंबर ऑफ प्रोटॉन कम करना चाहता था कि रिपल्सन कम रहे, राइट बच्चों? सो इसलिए बच्चों आपने क्या बोला हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के कारण वहां ब्रेक होने की संभावना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हीलियम इज 7, ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 56, और न्यूक्लियर फ्यूजन इज पॉसिबल। एंड बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन कब होता है? फ्यूजन में टूटना 200 से 220 से ऊपर ही होता है, और जब ए से कम ये होता है 2-3 पे, जब ए की वैल्यू है 4-10 ऐसा टाइप की, बहुत कम फ्यूजन आता है रिलीज ऑफ एनर्जी। सो बहुत बड़े वाला भी फ्यूजन करके रिलीज करेगा, बहुत छोटे वाला भी फ्यूज करके रिलीज करेगा, स्टेबिलिटी होगी और एनर्जी रिलीज करेगा। ये होता बेटा फ्यूजन वाला, दैट इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बम, और ये जो होता बेटा एटॉमिक बम, ये जो होता बेटा आपका एटॉमिक बम, डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज्ड इन फ्यूजन बिकॉज़ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ग्रेटर देन फ्यूजन फ्रैगमेंट। क्यों एनर्जी रिलीज किया? क्योंकि सर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी ना पहले वो ज्यादा थी, किससे? क्या बेटा इज ग्रेटर फॉर द फ्यूजन फ्रैगमेंट देन इनिशियल है, घूमने वाले से मजा आ रहा है मुझे। आप घर पे रहो, लगे रहो, मेहनत करते रहो, इस बार 150 जरूर लेंगे, फॉलो करेंगे और डॉक्टर जरूर बनेंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।